एक बार ना एक संत जी किसी गांव में कथा करने गए, तो संत जी के पास एक सेठ जी आए, बोले महाराज हम तो दुकानदार हैं, टाइम मिले ना है, कोई ऐसो बताओ कि हमारो कल्याण है जाए। संत रसिक थे, उन्होंने कही भैया बालकृष्ण प्रभु की सेवा करे करो। बोले महाराज इतना टाइम कहां ते आयो? बोले फिर, बोले मानसी सेवा किया करो। बोले वो कैसे होती है? ब्रह्म मुहूर्त में जगना है, नित्य कर्म से निवृत्त होना है, और लाला को जो यशोदा मैया पद गाकर जगाती थी उसको बोलना है। फिर पद जगा दो, फिर ठाकुर को स्नान, मन ही मन में भाव बनाओ मैं ठाकुर को जगा रहा हूं, स्नान करा रहा हूं, मक्खन मिश्री दूध मिश्री का फल का मिष्ठान का भोग लगा रहा हूं, दोपहर का भोग, फिर विश्राम, फिर साईं की आरती, फिर दूध का भोग, मेवा का भोग, हैं मैं ठाकुर जी को फिर सुला रहा हूं। पर आजकल तो गोपाल जी सब ले जाए बेचारे, खड़ेश्वरी बना रखे हैं सबने घर में, जैसे हम सोते हैं उन्हीं सुख सुविधाओं के साथ हमारे लाला को भी सुलाना चाहिए। सुलाना चाहिए कि नहीं? वही गद्दा हो, तकिया हो, चादर हो, और भगवान के लिए एसी होना चाहिए, पर भगवान हमारे कहां है? रात को और दिन में रसोई में। कछ के भगवान तो रसोई में है, और कछु के भगवान जीना के नीचे हैं, और कछु के भगवान बेडरूम में है, कईयों के ड्राइंग रूम में है, कईयों के लॉबी में। अरे भगवान की हम पर तो ना बड़ी कृपा है, ले भगवान की तो कृपा है, पर तुम तो भगवान पर कृपा ना कर रहे, तुम तो दुष्ट बन रहे हो। एक और आजकल ड्रामा चल रहा है, दुकानों से लोग लेंगे, हर व्यक्ति मीराबाई बना, और चाट पापड़ी खाती है, कितनी दुष्टा भक्ता हो गई। भगवान झूठी टेबल पर चाट पापड़ी खा रहे। देखो मैं आप सभी हरि भक्ताओं से प्रार्थना करता हूं, भगवान को कभी भी ऐसे स्थानों पर विराजमान ना करें जो झूठा है, अपवित्र है, दूषित है। कैसा स्थानों? बहुत पवित्र। हमारे लाला की भक्ति बाल भक्ति है ना, तो जैसे एक 6 महीने का बच्चा होता है उसी भाव में हमको बालक बाल गोपाल की सेवा कर।